Spike, that's the wrong number. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। क्या हाल है? तो गाइज देखो, मैं अपना गेम ओपन कर रहा हूँ भाई सुबह सुबह, क्योंकि मैंने रात तक खेला भाई। और अभी ना नूब लॉबी आ रहा है तो बहुत कम प्लस मिल रहा है, लेकिन नहीं भाई, रात तक मैंने खेला भाई थोड़ा थोड़ा प्लस करके। और ये मैं अपना भाई सुबह गेम ओपन कर रहा हूँ, तो अपना कनकर आएगा भाई। तो गाइस बहुत दिन हो गया था मैंने वीडियो नहीं डाला था, करीब 2 वीक, क्योंकि देखो मेरा हेल्थ थोड़ा ख़राब था भाई। और हेल्थ भाई ठीक होते होते ना मुझे कनकर भी करना था, और week 6 के करीब था और मेरा डायमंड 4 पे था, तो बहुत खेलना पड़ा। और ज़्यादा भी नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा खेल के मैं आया देखो, और week 8 पे मुझे कनकर मिल गया। और ये सीजन भाई क्या ही मस्त गेम गया देखो मेरा 95 मैच में भाई। इधर मैंने एक स्क्रीनशॉट मार लिया भाई थंबनेल के लिए, और देखो 95 मैच में मेरा कनकर हो गया भाई मस्त। और ज़्यादा चिकन डिनर नहीं निकले हैं, अगर पिछले सीजन के मेरे रिकॉर्ड्स देखोगे ना, रिकॉर्ड्स मतलब स्टैटिस्टिक्स देखोगे, तो उधर भाई मस्त चिकन ही निकल रहा था। 100 मैच में से भाई 22-23 ऐसे चिकन होगा, लेकिन ये सीजन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखो सीजन के एंड में ना भाई बहुत सारे हैकर आते हैं, तो उस टाइम आपको चिकन डिनर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप पहले से खेलोगे ना तो चिकन भी मिलेगा भाई, और किल्स भी मिलेंगे, और प्लस भी मिलता है। और एंड में ऐसा होता है कि भाई नूब लॉबी आता है, इसके वजह से बहुत कम प्लस मिलता है। लेकिन इस मैच में मैं चिकन डिनर कर लेता हूं भाई, और कितना प्लस मिलता है देख लेना एंड तक। और इधर जैसे मैं आया भाई, एक बंदा आ गया मेरे सामने ही, तो मुझे लगा बंदा है लेकिन बॉट है, लेकिन बंदा बॉट कैसे हो सकता है भाई, बॉट है तो बॉट है। तो देख, अरे कहना क्या चाहते हो? ये मैच भाई क्रानुआन का था, और मुझे एस जाने के लिए अभी 9 पॉइंट बाकी थे, और इसमें चिकन डिनर निकल जाता है मस्त, और 16 प्लस हो जाता है। चिकन करके भाई 16 ही प्लस हुआ, तो क्या ही कर सकते हैं ऐसे में। लेकिन इस मैच में मेरा और एक प्रॉब्लम हो रहा था, देखो पिंक कितना आ रहा है भाई। तो मैंने अपना भाई एयरप्लेन मोड ऑन करके देखा, लेकिन इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो 3 बार भाई रिस्टार्ट करके देखा, उसमें भी सेम ही पिंक आ रहा था, लेकिन एंड में ये पिंक सही हो जाता है, पता नहीं कैसे भाई। तो गाइज़ आपको भी ऐसा ही करना है, बहुत कम मैच खेल के ना आपको प्लस निकालना है, और हर मैच में ना टॉप 10 निकालने का ट्राई करना है सोलो एपीपी अगर आप खेल रहे हो, क्योंकि इधर सर्वाइवल के ही पॉइंट्स मिलते हैं भाई, किल्स आपको फ़र्क नहीं पड़ता कितना है या नहीं। तो देखो मैं ऐसे ही जोन के बाहर रहता हूँ भाई, और लूटते रहता हूँ जब तक भाई जोन बिल्कुल काट ना दे। तो देखो इधर मैं शूटिंग रेंज पर आ जाता हूँ, और इधर मुझे मस्त लूट मिल जाता है भाई। और ऐसे ही आपको भी करना है, आप थोड़ा लूटते रहो भाई। और एक जोन भी आने वाला है भाई, और देखो 20 सेकेंड ही बाकी हैं, और 23 बंदे अलाइव हैं, और जोन बिल्कुल ना स्कूल के तरफ है, और रोजॉक के कुछ कंपाउंड भी हैं जोन के अंदर। तो मैं उधर ही जाऊंगा भाई, और सेंटर पे जाके ना रुकूंगा, और गाड़ी थोड़ा घुमाना पड़ गया, क्योंकि देखो उधर तक जैसे ही मैं पहुँचूँगा ना, और एक जोन भी बन जाएगा, और जिधर बनेगा मैं उधर चला जाऊँगा मस्त आराम से। मैं रोजक से निकल चुका हूँ देखो, और 21 बंदे अलाइव हैं। मैं सोच रहा था कि स्कूल अपार्टमेंट पे जाके रुक जाऊँगा, और उधर जोन बनेगा तो बूम बाम भाई मस्त टॉप 10 निकाल लूँगा, लेकिन नहीं भाई उधर बंदे फाइट हो रहे थे। तो देखो मैं इधर ही रुक जाता हूँ ये वाले सेक पे, और इधर कोई नहीं था भाई, और इससे अगला वाला जोन भी आ चुका है, और वो मेरे से कट जाता है भाई। क्या ही फूटी किस्मत होता है, तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जाऊँगा भाई, और देखो अभी जैसे मैं इधर हिल विल मार रहा होता हूँ, एक गाड़ी आता है आगे से, और उसको मैं फायर लेता हूँ। लेकिन ये वेदर ही ऐसा है, कुछ दिखता है नहीं, लेकिन दो बॉडी लग जाते हैं उस बंदे को।
मुझे टॉप 10 जैसे भी करके आना था। अगर इधर मैं मर गया तो भाई एक दो ही प्लस होगा, ज़्यादा प्लस नहीं होता, क्योंकि ये आजकल ऐसा ही लॉबी आ रहा है और ये रात का भी मैच था, रात को ज़्यादा प्लस नहीं मिलता। तो देखो इधर मैंने अपना स्मोक कर दिया भाई 2-3 और निकल लेता हूँ, और देखो आगे वाले कंपन पे मैं जाता हूँ। और इधर क्या ही एक स्कैम होने वाला था मेरे साथ, देखो 120-130 पिंग तो आ ही रहा है, लेकिन इधर जैसे ही मैं आता हूँ ना, देखो 300 के आर पार भाई चला जाता है मेरा पिंग, और मैं घर के बाहर थोड़े टाइम के लिए रुक जाता हूँ। और मुझे डर लग रहा था कि अगर वो स्कूल पे एक बंदा था भाई जो कि सबको मार रहा था डीपी से, तो मुझे लग रहा था कि वो बंदा मुझे मार देगा, लेकिन कैसे भी करके बच जाता हूँ मस्त भाई। पिंग का इधर थोड़ा लोचा हो गया था और मैं इधर आके भाई कैसे भी करके रुक गया। देखो कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा पिंग आ रहा है। तो देखो अभी भी मैं टॉप 10 नहीं आया हूँ, अगर मैं टॉप 10 नहीं आऊँगा तो प्लस भी नहीं होंगे, ऐसा ही होता है। अगर आप 11 पे भी मर जाओगे ना और ज़्यादा किल्स नहीं है तो प्लस भी नहीं होता। तो देखो मैं इधर वेट करता हूँ भाई, मुझे किधर भी नहीं देखना है, क्योंकि देखो अगर मैं मर जाऊँगा तो प्लस नहीं होगा, बिल्कुल कम ही प्लस होगा। तो मैं इधर आके भाई बिल्कुल लेट जाता हूँ, क्योंकि इतना पिंग आ रहा है भाई, इतना पिंग में कौन मारेगा भाई कैसे। तो देखो इधर से और एक जोन भी आने वाला है और ये मेरे पे नहीं होता और स्कूल पे होता है भाई। तो मैं अपना बाइक पे ना स्मोक करके फिर से निकल लेता हूँ, और पीछे से एक गाड़ी आता है भाई BRDM, जो कि मेरे पे ही रोकने वाला था, लेकिन उस पर जैसे ही मैं फायर करता हूँ तो वो आगे निकल जाता है। अभी देखो मैं कहाँ था भाई, बिल्कुल सेवरनी के आसपास, और उधर से मैं आया देखो स्कूल के तरफ, और इधर से भी जोन कट गया और बहुत सारे बंदे LI में भाई, और चारों तरफ देखो रेड जोन का सिंबल हो गया, ये ग्लिच होता है लेकिन पता है। तो देखो मुझे अभी भी जाना है जोन के अंदर, और पिंग भी इतना हाई आ रहा है और मेरा मोबाइल का चार्ज भाई 20% से लो हो गया था, तो सब जगह से प्रॉब्लम आ रहा था भाई। इधर मैं बैठे हुआ था भाई, मस्त लेटा हुआ था, किधर भी नहीं देखना था, क्योंकि मुझे टॉप 10 आना था जैसे भी करके। अगर इधर मैं 2-3 किल भी कर लूँगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, मुझे टॉप 10 जैसे भी करके आना है। तो देखो आगे मैं एक स्मोक कर देता हूँ भाई अपना बाइक के तरफ, कि जो स्कूल वाला बंदा था भाई वो सबको मार रहा था। तो मैं अपना भाई बाइक पे जैसे ही स्मोक करता हूँ ना, वो बंदा भाई दूसरी तरफ फायर लेने लगता है, मेरे पे भी फायर कर रहा था वो बंदा भाई घर पे, लेकिन जैसे ही वो अलग दिशा पे फायर करता है ना, मैं अपना बाइक लेके निकल लेता हूँ बिल्कुल, और सोचता हूँ कि स्कूल के अंदर ही घुस जाऊँगा भाई, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन रास्ते पे बहुत सारे बंदे होते हैं, देखो भाई जैसे मैं जाता ना पता नहीं कैसे बच जाता हूँ, बिल्कुल चारों तरफ बंदे ही बंदे और गाड़ियां भाई, बहुत सारी गाड़ियां। तो देखो इधर मैं अपना बाइक पे स्मोक कर देता हूं और निकल लूंगा भाई, बिल्कुल स्कूल के अंदर ही घुस जाऊंगा। और मैं सोच रहा था कि बिल्कुल सामने से ले जाऊंगा भाई, लेकिन उधर बंदे फाइट हो रहे थे पहले से और 2-3 गाड़ी भी पीछे से आ रहे थे। तो मैं सोचता चलो और दूसरी तरफ चलता हूं, और देखो भाई क्या ही बचता हूं इधर मैं। जब मैं आ रहा था भाई एक बगी के ऊपर ना BRDM चढ़ गया, तो मैं उस बगी वाले बंदे को इजीली मार पाता, लेकिन मुझे उधर नहीं रुकना था, उधर जोन भी नहीं था, तो क्या करूँगा उधर रुक के। और पीछे से आगे से भाई हर जगह से फाइट हो रहे थे, और देखो मैं जैसे ही आया ना, ये घर के ऊपर भी एक बंदा था भाई, उसने मेरे पे फायर लिया, और जैसे ही भाई 0 HP भाई हो गया, मैं बिल्कुल कवर पे आ जाता हूँ तो बच जाता हूँ उससे भी, और इधर आके मैं रुक गया भाई। देखो और इधर से भी जोन मेरे से कट गया है, और देखो टॉप 10 तो मैं आ चुका हूँ भाई, और मुझे 10 प्लस तो मिल ही जाएंगे, और 9 प्लस करूँगा तो एस जाऊंगा, ये तो था इस मैच में। और मुझे तो लग गया था कि इस मैच में तो इतना हो गया है। और देखो उस BRDM के ऊपर मैं भाई फायर ले रहा था और उसको बहुत लो कर देता हूँ, तभी और एक बंदा और एक भाई स्प्रे मारता है उसको और उसका किल ले लेता है। जिधर मैं देख रहा हूँ उसके लेफ्ट साइड ना देखो स्मोक हुआ है, तो उधर से एक बंदा आता है, उसको मैं बहुत लो करता हूँ, एक हेड मारता हूँ और 2 बॉडी शॉट भी मारता हूँ, पर पता नहीं वो बंदा मरता ही नहीं। और मेरा DP का एमओ देखो इधर ख़त्म हो गया है, और आगे से मुझे फुल स्टेप आ जाता है कि आगे मुझे जोन के अंदर जाना है, उधर एक बंदा पहले से है तो मैं फुल बूस्ट कर लेता हूँ भाई, क्योंकि उसके साथ फाइट लेना है। तो देखो मेरे पास टॉमी गन है तो इसका भरोसा नहीं है भाई, लगता है तो लग जाता है लेकिन नहीं। तो देखो अभी मैं जाता हूँ उसको, मैं क्या ही मस्त मारता हूँ। एक बंदा है भाई बिल्कुल जोन के अंदर, तो वो अभी मेरे पे एक नेड़ मारता है, लेकिन मैं मरता नहीं, पता नहीं क्यों ये अंदर ही गिरा था देखो, और बहुत लो हो गया भाई, फुल बूस्ट करा था इसलिए मैं बच जाता हूँ। और देखो मुझे जोन के अंदर भी जाना है, और एक जोन आ चुका है क्लोज इन भाई, और मेरे लेफ्ट साइड जो बंदा था मैंने उस पर भाई 2-3 नेड़ मारे, लेकिन उसको और एक बंदा क्लियर कर देता है। तो इधर मैं देखो फुल बूस्ट करता हूँ और निकलता हूँ, और उस बंदे को क्या ही टॉमी गन से मारता हूँ, देखो 3 हेड लगते हैं भाई देखो।
मेरे पास 7 का एमओ खत्म हो गया था, तो इस बंदे को मैं लूटने के लिए आ जाता हूँ और दो ही बंदे अलाइव हैं, दोनों में से मैं एक को मारता हूँ और एक ना जोन के बाहर ही मर जाता है। देखो और देखो, जोन जैसे ही क्लोज इन हो जाता है ना, हिल बैटल वाला होता है, तभी मैं घुस जाता हूँ भाई उस बंदे के ऊपर। उसका फुटस्टेप मुझे आ गया था, तो उसके मुँह के ऊपर जाके भाई उसको मैं इजीली मार देता हूँ। इस बंदे को तो मैं इजीली किल कर देता हूँ, लेकिन और एक बंदा किधर था पता नहीं। अगर उसने एक दो फर्स्ट एड ले लिया होता ना, तो मैं मर जाता भाई 2 #2 फिप। लेकिन नहीं भाई, वो गलती कर देता है और मुझे इधर चिकन डिनर मिल जाता है। तो देखो क्या ही मस्त चिकन डिनर निकला भाई सर्वाइव करके। तो आप ऐसे ही भाई सर्वाइव करके चिकन निकालो, और टॉप 10 हमेशा भाई हर गेम में निकालने का ट्राई करना, तभी आपका भाई जल्दी से कन्वर्ट हो पाएगा। और ये मैं सीजन के एंड में कर रहा हूँ भाई, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैच लग गया, क्योंकि ज़्यादा प्लस भी नहीं हो रहा था। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जो जो चैनल पे नए हो भाई प्लीज सब्सक्राइब बटन ठोक देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। द सॉन्ग ब्रॉन मुंडे है और लंबो ट्रक बीच गेडी से हॉलीवुड गीत दे से मुंडे ये दे सोने हॉलीवुड।